दोस्तों, अचीवमेंट एजुकेशन पार्क यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा भूगोल के लिए जो भी टॉपिक थे, जो सिलेबस था, उसके हमने चर्चा की थी। अब उसी सिलेबस से संबंधित एक एक वीडियो में उससे संबंधित मैं बनाता जाऊँगा। तो उस क्रम में पहला वीडियो जो है वो है वर्ल्ड ज्योग्राफी पार्ट वन में हमने एशिया की फिजिकल ज्योग्राफी को लिया है। एशिया की फिजिकल ज्योग्राफी में जैसा कि सिलेबस हमने दिया था वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसमें पर्वत, पठार और मरुस्थल की बात की थी। तो इस वीडियो में हम लोग एशिया के पर्वत, पठार और मरुस्थल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए, आप देर ना करते हुए इसकी शुरुआत करेंगे। लेकिन फिर मैं एक बार बोलना आपसे याद दिलाना चाहूँगा आपको, मैथ्स स्पीक देमसेल्स, मानचित्र स्वयं बोलते हैं। जब भी आप भूगोल को पढ़ें, मानचित्र को अपने सामने रख करके ही पढ़ें। तो ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। यह है एशिया का मैप है। एशिया जो है, ये जो है बेरिंग स्टेट से अलग होती है उत्तरी अमेरिका से। बेरिंग स्टेट किससे अलग होती है? नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से, नॉर्थ अमेरिका बेरिंग स्टेट से। जब हम लोग बात करते हैं यूरोप से कैसे अलग होता है, ये जो है हमारा है यूराल माउंटेन है। ये हमारा क्या है? यूराल माउंटेन, ठीक है। ये हमारा यहां पर, ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं, ये हमारा जो है इसको बोलते हैं ब्लैक सी। और ये जो है, ये है कैस्पियन सी। कैस्पियन सी है, ब्लैक सी और कैस्पियन सी की पूछता भी है। ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच यहां पर एक माउंटेन है जिसे हम लोग बोलते हैं काकेशस माउंटेन। यहां पे एक माउंटेन है जिसे हम लोग बोलते हैं काकेशस माउंटेन। ये है काकेशस माउंटेन, कॉकेसस माउंटेन, ठीक है। तो हमने उत्तरी अमेरिका से अलग कर दिया बेरिंग स्टेट से। यूरोप से अलग कर दिया यूराल माउंटेन, कैस्पियन सी, कॉकेसस माउंटेन और ब्लैक सी से। अब जब भी, चूंकि फिजिकल मैप है, जब हम लोग इसे पॉलिटिकल करेंगे एशिया का, तो उसमें देखेंगे ब्लैक सी के किनारे कौन सा कंट्री है, कैसे क्या है, कैस्पियन सी के किनारे कौन है, कॉकेसस जो पर्वत श्रृंखला उसमें कौन कौन से कंट्री आते हैं, बात करेंगे। लेकिन चूंकि ये फिजिकल हम लोग कर रहे हैं, इसलिए फिजिकल बातों पर ही ध्यान रखेंगे। अगर एक साथ सबको करेंगे तो शुरुआती वीडियो है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। तो स्टेप बाय स्टेप, तो ये सारी चीज़ें हो गई, कैस्पियन, कॉकेसस और ब्लैक सी। यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमारा पता है कि यहाँ पर अफ्रीका शुरू हो जाता है, और अफ्रीका के पास यहाँ पर एक पेनिनसुला है, एक प्रायद्वीप है, इस प्रकार से देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है। ये प्रायद्वीप है, इसको हम लोग बोलते हैं सिनाई पेनिनसुला। ये हमारा है सिनाई पेनिनसुला, ये अफ्रीका का भाग है, सिनाई पेनिनसुला। सिनाई पेनिनसुला यहाँ पर, ये जो है पश्चिम वेस्ट पार्ट में सिनाई पेनिनसुला का, वो है स्वेज कैनाल। और जब इसकी ईस्ट में बात करते हैं तो ईस्ट में है अकाबा, गल्फ ऑफ अकाबा, गल्फ ऑफ अकाबा मीन्स गल्फ ऑफ अकाबा से ये जो है एशिया से अलग होता है, या हो सकता है सिनाई प्रायद्वीप भी दिया है, सिनाई प्रायद्वीप से ये एशिया, अफ्रीका से एशिया अलग होता है। ये हम लोगों ने सारी बातों को देख लिया, कैसे उत्तरी अमेरिका और यूरोप से अलग होता है। अब आइए हम महत्वपूर्ण बातों पर नजर दौड़ाते हैं। महत्वपूर्ण बात में यह है कि इसको ध्यान रखेंगे कि हमारा कैस्पियन सी है, ये ब्लैक सी है, कॉकेसस है, ये सिनाई पेनिनसुला है, स्वेज कैनाल और गल्फ ऑफ अकाबा पूछता है। अब ये जो है, ये हमारा तुर्की देश है, हम बात करेंगे हम लोग आगे पॉलिटिकल वाले में। यहाँ पर एक माउंटेन है तुर्की में, एक नॉर्थ में माउंटेन है, एक साउथ में माउंटेन है, दोनों आकर आगे मिल जाते हैं। तो नॉर्थ में जो माउंटेन है, यहाँ नॉर्थ में जो माउंटेन है
और यहाँ साउथ में एक माउंटेन है, तो नॉर्थ में जो माउंटेन है उसको बोलते हैं पोंटी माउंटेन। साउथ में जो माउंटेन है हम लोग बोलते हैं टॉरस माउंटेन, ध्यान रखेंगे। तुर्की के उत्तर में कौन सा है पोंटी, साउथ में कौन है टॉरस, ये भी पूछता है कि ब्लैक सी के साउथ में कौन है या पोंटी है क्या है, या फिर पोंटी है तो नॉर्थ में, पोंटी के नॉर्थ नॉर्थ में कौन सा सी है, ये ध्यान रखेंगे। पोंटी और टॉरस जो है आकर के मिल जाता है, जिस जगह पर ये मिलता है पोंटी और टॉरस ये, उसे हम लोग बोलते हैं अनातोलिया प्लेटो या अनातोलिया नॉट, अनातोलियन नॉट, ठीक है, अनातोलिया नॉट या अनातोलिया का पठार भी इसको कहते हैं। नॉट इसलिए कहते हैं कि यहां से पश्चिम दिशा में पोंटी और टॉरस निकलता है और पूर्व दिशा में यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे दो और श्रृंखलाएं निकलती हैं जिसको भी हम देख रहे हैं, जो ईरान में चली जाती हैं, ठीक है। उत्तर में जो है उत्तर वाले को हम लोग बोलते हैं एल्बुर्स, एल्बुर्स माउंटेन, एल्बुर्स और एल्ब्रुस अलग अलग है, एल्ब्रुस कॉकेसस पे है, सबसे ये ऊंची चोटी है यूरोप की, ये एल्बुर्स है। और साउथ में जो है, यहाँ साउथ में इसको हम लोग बोलते हैं एल्बुर्स माउंटेन, और साउथ में जो है इसको बोलते हैं जागरस माउंटेन, जागरस माउंटेन, एल्बुर्स माउंटेन और जागरस माउंटेन, ये ध्यान रखेंगे। एल्बुर्स जागरस हो गया, यहाँ पे जो है यहाँ से पामीर के नॉट है, पामीर के नॉट से यहाँ से निकलती है हिंदू कुश, कौन निकलती है हिंदू कुश, ये हमारा हो गया हिंदू कुश, ऐसा नहीं है थोड़ा सा झुका हुआ है, ये हमारा है हिंदू कुश, हिंदू कुश माउंटेन, ठीक है। और यहीं पर जो है यहाँ पे निकलता है ऐसे पाकिस्तान में चला जाता है, उसको बोलते हैं सुलेमान माउंटेन, ये है सुलेमान माउंटेन, ध्यान रखेंगे। हिंदू कुश जो है अफगानिस्तान प्लस पाकिस्तान में है, बॉर्डर पे है, और ये जो सुलेमान है पाकिस्तान में है, सुलेमान माउंटेन, सुलेमान, सुलेमान माउंटेन ये पाक में है, पाकिस्तान में, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अब जो है हम देखेंगे ये हमारा क्या है, पामीर नॉट है, जिस प्रकार से अनातोलिया नॉट से कई माउंटेन रेंज निकल रहे थे उसी तरह से पामीर नॉट से भी कई रेंज निकलते हैं, ये हमारा है पामीर नॉट, पामीर नॉट, पामीर नॉट से एक जो रेंज निकलता है महत्वपूर्ण जो ये हमारा हो जाता है हिमालयन रेंज, कर्व लिए हुए है, ये हमारा है हिमालयन रेंज, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है हिमालयन रेंज, हिमालयन रेंज, ठीक है। और यहाँ नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर जो है ये ऐसे है, ऐसे हो जाता है नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में जिसे हम लोग बोल देते हैं एक जो है यहाँ पे इसको हम लोग बोल देते हैं अराकान योमा, अराकान योमा रेंज, सॉरी नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, ये म्यांमार में है, ठीक है, म्यांमार में, नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जैसे एक लाइन उसमें से पटकोई बूम है, नागा हिल्स, मणि हिल्स, मिजो हिल्स है, लेकिन जो नागा हिल्स, मणि हिल्स, पटकोई बूम है उसी के समानांतर जो श्रृंखला है वो है अराकान योमा। तो जो नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियाँ हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में देखेंगे, वर्ल्ड चूंकि एशिया का देख रहे हैं इसलिए हमने उसको वहाँ पे कम महत्व दिया है, कम तबद्दो दी है। अब हम लोग देख रहे हैं अराकान योमा जो म्यांमार में है, अराकान योमा माउंटेन ये कहाँ है, म्यांमार में, ठीक है। यहाँ पर एक माउंटेन है
यहाँ पर जिसे हम लोग बोलते हैं अनांग माउंटेन। अनांग माउंटेन ये जो है वियतनाम में है, वियतनाम में है, ठीक है। अब देखिए यहां पर पामी नोड से ही निकलती है, जिसमें भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, सर भारत की सबसे ऊंची चोटी है, अभी से दूसरी सबसे चोटी है, यहाँ पे है काराकोरम। तो ये हमारा हो जाएगा काराकोरम, यहाँ मैं ब्लैक इंक यूज करता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया काराकोरम, इसको ये हमारा हो गया काराकोरम। काराकोरम के नॉर्थ में जो है यहाँ पे ऐसे निकलता है, इसे हम लोग बोलते हैं कुनलुन, कुनलुन, कुनलुन रेंज, कुनलुन, कुनलुन के उत्तर में यहाँ से निकलती है, इसे हम बोलते हैं तियान सान, तियान सान। ये भी चाइना में, ये भी चाइना, दोनों चाइना में, तियान सान और कुनलुन दोनों चाइना में है, ठीक है। अब जो है इतना करने के बाद जो है तिलन के बाद जो है अन्य महत्वपूर्ण रेंज जो है एक यहाँ पर जो है, जिससे यहाँ पर जिसे हम लोग बोलते हैं सार्डिनिया रेंज, सार्डिनियन, सार्डिनिया रेंज, सार्डिनिया रेंज साइबेरिया का भाग है, सार्डिनिया रेंज। यहाँ पे एक रेंज है जिसे हम लोग बोलते हैं वर्खोन सियांस, वर्खोन सियांस रेंज, ठीक है। कमचटका, ये कमचटका पेनिनसुला है, कमचटका पेनिनसुला पर ही सार्डिनिया रेंज है और ये वर्खोन सियांस के है, विश्व के सबसे ठंडी जगह है ये वर्खोन सियांस। अब इतना करने के बाद जो है एक यहाँ पे आइलैंड है, इंडोनेशिया का ही है, जिसे हम लोग बोलते हैं सुमात्रा आइलैंड। सुमात्रा आइलैंड पर एक यहाँ पे माउंटेन है जिसे हम लोग बोलते हैं बारिसान माउंटेन, इसको क्या बोलते हैं बारिसान, बारिसान माउंटेन, ठीक है। तो इतने बीपीएससी के, चूंकि ये ध्यान रखेंगे यूपीएससी के लिए मैंने वीडियो नहीं बनाया है, ये वीडियो मेरा जो है वो बिहार प्रारंभिक परीक्षा के लिए है जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो इतना चर्चा महत्वपूर्ण है। बस हमें ये ध्यान रखना, ये रखना है कि अनांग माउंटेन कहाँ है, तो वियतनाम में है, अराकान योमा जो है कहाँ पर है, ठीक है, पामीर नोट से कौन कौन सी श्रृंखलाएं निकलती है, कौन कौन सी श्रृंखलाएं आकर मिलती है, आर्मेनियन नोट से कौन कौन सी श्रृंखलाएं निकलती हैं या मिलती है। इसके बाद फिर ये दे देता है, पूछा भी है कि जागरस माउंटेन किस देश में है, एल्बुर्ज माउंटेन, एल्बुर्ज माउंटेन किस देश में है, हिंदू कुश किस किस देश में है, सुलेमान किस देश में है, तो एल्बुर्ज कहाँ है, ईरान में है, ये किस देश में है, ईरान में, ठीक है। जागरस कहाँ पे है, ईरान में है, साउथ ईरान में है, साउथ ईरान, एल्बुर्ज किस में है, नॉर्थ ईरान में है, नॉर्थ ईरान में है। इसी प्रकार से हम पॉन्टी की बात करते हैं तो कहाँ है, तो नॉर्थ तुर्की में है, नॉर्थ तुर्की में है। टॉरस कहाँ पे है, साउथ तुर्की में है, साउथ तुर्की में है, ठीक है। ब्लैक सी के ये तुर्की के उत्तर में कौन सा सी है, ब्लैक सी है, या एल्बुर्ज के जो है किस देश से, एल्बुर्ज के दक्षिण में कौन सा है, एल्बुर्ज है कि जॉगरस है, ठीक है। ईरान का कैसा लगता है ये कैस्पियन सी के साथ, चर्चा हम लोग पॉलिटिकल ज्योग्राफी में करेंगे, ठीक है। लेकिन माउंटेन के बारे में अगर इतना हमको ध्यान है, अच्छा यहाँ पर जो यूराल है, यूराल की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है नार्दिनियन, नार्दिनिया, नार्दिनिया पीक, नार्दिनिया कहाँ पर है, यूराल का है, ठीक है।
कॉकेसस के बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। कॉकेसस के बारे में चूंकि यूरोप की जब बारे में बात करेंगे तब वहाँ चूंकि वो जो यहाँ का पिक है कॉकेसस का वो है एल्ब्रुस है, एल्ब्रुस द स्पेलिंग ALBURZ है, ELBRU है। तो ये पीक है यहाँ का जो कि यूरोप का सबसे बड़ा पीक है यूरोप में है, जिसकी हम यूरोप वाले में चर्चा करेंगे, ठीक है। इसमें चर्चा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पोलिटिकल वाले में बात करेंगे क्योंकि साथ में कौन कौन से कंट्री आते हैं, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात चल ही रही है, सिर्फ हमको ये ध्यान रखना है कि हिमालय की जो है सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये हमारा जो कि नेपाल में है, ये हमारा है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी जो है जो कि इंडिया की भी है वो है यहाँ पे है, काराकोरम है, वो है K2। कौन सा है? K2 जो कि लद्दाख में पड़ेगा। और इतना बस हमको ध्यान रखना है, बाकी मैप देखते रहिए। अब हम लोग इतना करने के बाद जो है हम लोग बात करते हैं कि कौन सा पठार कहाँ पर है, उसके बाद हम लोग आएंगे डेजर्ट पर। देखिए जब पठार के बारे में बात करें तो यहाँ पर एक पठार है कुनलुन और महान हिमालय के बीच, यहाँ इस वाले रेंज में, इस वाले भाग पर यहाँ पर, ठीक है, जिसे हम लोग दिखा रहे हैं ए से, क्योंकि बहुत हो जाएगा तो ये ए हमने दिखाया है। तो ये जो हमारा हो जाएगा इसको बोलेंगे तिब्बतन प्लेटो, तिब्बतन प्लेटो, ठीक है। यहाँ पर जो है ईरान में भी एल्ब्रुज़ ज़ाग्रस के बीच एक प्लेटो है, ठीक है, जिसे हम लोग बोल देते हैं, यहाँ इसको कर रहे हैं हम लोग बी, जिसे हम लोग बोलते हैं ईरानियन प्लेटो या प्लेटो ऑफ ईरान। एल्बुर्ज और ज़ाग्रस के बीच जो पठार है इसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं, और ये जो है इस पठार को हम लोग बोलते हैं बी, ईरानियन प्लेटो, ईरानियन प्लेटो बी है। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो तुर्की में जो है पोंटी और टॉरस के बीच एक यहाँ पर प्लेटो है, जिसे हम लोग बोल देते हैं अनातोलिया प्लेटो। अच्छा, अनातोलिया प्लेटो, एक सुधार कर लीजिएगा थोड़ा सा, मेजर नहीं थोड़ा सा, ये जो है ये हमारा है अनातोलिया प्लेटो, जो ब्लैक है इसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं, ये हमारा हो गया अनातोलिया, अनातोलिया प्लेटो सी, अनातोलियन, अनातोलियन प्लेटो, ठीक है। सुधार ये करना है जैसे कि हमने यहाँ दिखाया है पोंटियो टॉरस के बीच अनातोलियन प्लेटो है, पोंटियो टॉरस के बीच, और हमने यहाँ पर अनातोलियन नॉट लिखा, तो अनातोलियन नॉट नहीं होगा, ये होगा आर्मेनियन नॉट, ये ध्यान रखेंगे। जो हमने अनातोलियन नॉट बताया था वो क्या होगा? आर्मेनियन नॉट, आर्मेनियन नॉट, ठीक है। तो पोंटी और टॉरस के बीच जो है एक प्लेटो है तुर्की में, जिसे हम लोग बोल देते हैं अनातोलिया प्लेटो, और जिस प्रकार से पामिर नॉट है उसी प्रकार से यहाँ पे एक नॉट है जिसे हम लोग बोल देते हैं आर्मेनियन नॉट, आर्मेनियन नॉट है ना कि वो अनातोलिया नॉट है, थोड़ा सा मिस्टेक था, होता है, ठीक है। और ये हो गया, एक और प्लेटो है यहाँ पे आराकानियोमा के वेस्ट में, यहाँ पे इसको हम डी से करते हैं, यहाँ पे प्लेटो है डी, ठीक है, प्लेटो है जिसे हम लोग बोलते हैं शान प्लेटो, SHAN शान प्लेटो, शान प्लेटो। और इसके बाद अनाम माउंटेन के पूर्व में यहाँ पर एक प्लेटो है, ठीक है, इसे ईट से डिनोट करते हैं, इस प्लेटो को हम लोग बोलते हैं कोराट प्लेटो,
कुराट प्लेटो, कुराट प्लेटो, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण पठार है, जैसे कि जो बीपीएससी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। इतने पठार को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप ये तय मानिए कि आपका प्रारंभिक परीक्षा की से क्वेश्चन जो है वो अच्छे तरीके से बन जाए। मेरा तो टारगेट ये था कि मैं इसमें डिजर्ट को भी दिखाऊं, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो डिजर्ट को हम लोग करेंगे एक वर्ल्ड मैप में, सारा का सारा डिजर्ट एक साथ कर लेंगे, जो पूरा ये फिजिकल सेटिंग खत्म हो जाएगा वर्ल्ड का, तो एक साथ अच्छा रहेगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इतनी बातों को हम अगर ध्यान में रखते हैं, मानचित्र को सामने रख करके इतने को लोकेट कीजिए और मेरे साथ बने रहिए, आपको काफ़ी फायदा होगा। फाइनली जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आप काफ़ी कंफर्टेबल फील करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी एक कॉन्टिनेंट को, हो सकता है कि हम यूरोप जो है की चर्चा करें, जैसे पार्ट वन ये हमारा था, उसी प्रकार से वर्ल्ड ज्योग्राफी पार्ट टू होगा, ठीक है। अब पूरी संभावना है कि यूरोप ही है, चूँकि यूरेशिया एक ही कभी कभी काउंट किया जाता है, तो हमने एशिया देख लिया, उसके साथ हम यूरोप भी देख लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।